कलर्स खत्म हो गए, अब नए लाने पड़ेंगे। इतनी अच्छी जो ड्राइंग बनाती हूँ, बड़े होके तो सबसे अच्छी आर्टिस्ट बनूंगी। चल पापा को फोन करती हूँ। पापा सारे वाटर कलर्स खत्म हो गए। बेटा कल ही तो तुम्हारे लिए नए वाटर कलर्स लाया था। प्लीज आप आज आते हुए ले आओगे प्लीज। इस लड़की को तो अपनी कोई चीज संभाल ही नहीं आती, पैसे की कोई कदर ही नहीं है यार। ए मेरी डॉल्स आज नहाई है कि नहीं? ए तूने ब्रश करा है क्या? अरे सुबह सुबह मीटिंग में लग गई, चल मैं तेरे को ब्रश कराती हूँ। ए इसका तो हाथ टूट गया, इसको फेंको। अरे ये डॉल यहाँ कैसे पड़ी है? बेरो ये डॉल क्यों फेंकी हुई है यहाँ पे? मम्मी ये डॉल बहुत पुरानी हो गई और साथ में टूट भी गई। बेटा अभी तो ली थी आपके बर्थडे पे, आप ऐसे हर चीज को कैसे फेंक सकते हो? क्या टूटा है इसमें? ये देखो ये ठीक हो गई। बेटा पैसे फ्री के नहीं आते, चीजों को ठीक करना सीखो। जरा सा हाथ ही तो बाहर निकला था, मैंने जोड़ दिया, ठीक हो गई। लो खेलो इससे। पापा नशा अपने दिला दो। बेटा ये अभी तो दिलाया था, क्या हो गया इसमें? अरे पापा ये बहुत पुराना हो गया। रुक जा अभी देखने दे मुझे। ये तो बहुत बढ़िया शार्प कर रहे, एकदम शार्प हो गई। अरे पापा लेकिन ये आपके जमाने का, जब मैं स्कूल में निकालती हूँ तो मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते हैं ये देख मेरे पास तो ऐसे शार्पनर है करके चढ़ाते हैं, ये तो बहुत बोरिंग है। इसको क्या हो गया यार? हाँ बेटा ये देखो ना ये टूट गया, देखो सारी चीजें गिरती रहती है, ये देखो बंद ही नहीं हो रहा। अरे बेटा यार तेरे को जरा सी चीज इधर उधर हुई नहीं, तेरे को नई चाहिए, इसको थोड़ा टाइट कर लेना ऐसे। नहीं हो रही ना, खुद ही देख लो। ये देख हो गया, टाइट हो गया, अब गिर रहा है, हो गया ना ठीक। चलो जाओ, ऐसे नहीं करते, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। बेटा गाड़ी बहुत गर्म हो गई है, ऐसा कर अंदर से बोतल ले और ऊपर से पानी भर के ले आ प्लीज। चल 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 जल्दी, इधर से जा, इधर से जा, इधर से। ओह थैंक यू बेटा, ये गाड़ी बहुत ही गर्म हो गई है बेटा। देखा कितना धुआं निकल रहा है। ओह अभी भी और भी गर्म है यार। बेटा ऐसा कर थोड़ा और पानी भर के लिया। पापा मैंने भर लिया और मैं गाड़ी में बैठी हूँ। पानी कौन लेकर आएगा बेटा, मैं लेके आऊंगा क्या? गाड़ी खुली रहेगी, थोड़ा सा काम कर दिया कर यार। मम्मी एक नई ड्रेस दिला दो, रिया ने सेम कॉपी मार दी फिर से। बेटा मैंने और पापा ने डिसाइड किया है कि अब आप कोई भी नई चीज लोगे ना तो उसके लिए आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। मतलब मैं बाहर जाके जॉब करूं? नहीं जॉब नहीं करोगी, लेकिन आप थोड़ी मेहनत करोगी घर पे, मम्मी और पापा के कामों में उनकी हेल्प करोगी ताकि आपको पैसे की वैल्यू समझ में आए और आप नई चीजें ले सको, समझ रहे हो? इंटरेस्टिंग। वेरोनिका इधर आओ। हाँ मम्मा। बेटा मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, तुम इन्हें पोंछ पोंछ के रखते जाओ। अच्छा ओके। अरे मम्मा और कितने दोगी, बस भी करो। मम्मा खाना बन गया? बेटा खाना तो तब बनेगा ना जब तुम मेरी हेल्प करोगी। अब आप मुझसे कुकिंग भी कराओगी? अरे नहीं बेटा, ऐसा कर तू नीचे से दही ले आ, तब तक मैं फटाफट खाना रेडी कर देती हूँ ठीक है? मम्मा मैं समझ गई अब। क्या? कि मेरे को वैल्यू करनी चाहिए चीजों को, जैसे मेरे कपड़े, टॉयज, बुक्स, पेंसिल बॉक्स, शार्पनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें, वो सारी चीजें मेरे को वैल्यू करनी चाहिए, कुछ भी फ्री नहीं आता। सही बात है। मम्मी पापा काम करता है तभी हमको सारी चीजें मिलती है, कुछ भी फ्री नहीं आता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को करो लाइक और ऐसे और वीडियोस के चैनल को करो सब्सक्राइब। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।